तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ मेरे से तो बढ़िया ही होंगे आपके, पहले की तरह। तो भाई, अपने ब्लॉग पर चलते हैं। आज का ब्लॉग कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना? क्योंकि यार, आज के ब्लॉग में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ब्लॉगिंग की तरफ से। मतलब आप समझ ही सकते हो कि जो ब्लॉग होता है, मैं उसके बारे में आज डिस्कशन करूँगा, ठीक है? और भाई, मैं बैठा हुआ था अपनी छत पर, क्योंकि मैं और कहीं तो गया नहीं, ठीक है, यहीं पे ही बैठा हुआ था घर पर। काम धंधा, जैसे कि आपको पता है कि काम धंधा तो है नहीं। और भाई, मैंने मोबाइल लगाया हुआ है अपना ट्राईपोड पे, और आप देख सकते हैं बैठा हुआ हूँ, पीछे पेड़ है। और भाई, आपसे एक चीज़ और कहनी है, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, उन सब्सक्राइबरों को मैंने खुद चुना है अपने पास, और वो जो भी सब्सक्राइबर है मेरे, सब ब्लॉगर हैं, सब ब्लॉग बनाते हैं। कोई कहीं का ब्लॉग बनाता है, कोई कहीं का बनाता है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं उनके चैनल पर गया पहली बार, और फर्स्ट में विजिट किया मैंने, और मैंने उनको कमेंट भी किया है, ठीक है, कि भाई आपको फुल सपोर्ट है हमारी, आप वीडियो अच्छी बना रहे हो। क्योंकि यार, सब अच्छी बनाते हैं यार, कोई भी, ठीक है ना, कोई गलत नहीं बनाता है, बस थोड़ा सा तरीका होता है, ठीक है। और धीरे धीरे जब उनकी वीडियो बनती रहती है, आप जैसे कि मेरी वीडियो जाके देख सकते हो, आप मेरा पहले वीडियो कैसी थी और अब की वीडियो कैसी है, और आपको ये सुन के और मेरे चैनल पे 100 वीडियो अपलोड हो चुकी है, और 10,500 से ऊपर 13,000 के करीब व्यू आ चुके हैं अभी तक। और भाई, मेरे को जो है कम से कम भी नहीं 6 महीने हो चुके हैं, और भाई मेरे सब्सक्राइबर भाई 200-250 सब्सक्राइबर हैं। मतलब 6 महीने मेहनत करने के बाद में 200-250 सब्सक्राइबर हुए हैं। और वो ज़्यादा क्यों नहीं बढ़े, तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। अब उसके लिए मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप कोऑपरेट करना, ठीक है ना। और ये वीडियो आपको पूरी देखनी है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं जी। मैंने सिर्फ ये स्पेशली वीडियो उन्हीं के लिए बनाई है कि उनको कुछ नॉलेज मिल सके, ठीक है ना। क्या पता मुझे भी कुछ नॉलेज मिल जाए उनसे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारी नॉलेज मैं ही लेके बैठा हुआ हूँ। भाई, मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज वाले हैं, आप सब नॉलेज वाले हो, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। और भाई, मैं भी आपका छोटा भाई हूँ, ठीक है, मुझे भी आप थोड़ी बहुत सपोर्ट करें। खांसी भी हो रही यार। तो भाई, बात कुछ ऐसी थी कि सभी जो भी मैंने अपने सब्सक्राइबरों को सब्सक्राइब किया है, या जिसने भी मुझे सब्सक्राइब किया है, ठीक है, मैंने खुद जानबूझ के उनको सब्सक्राइब किया है, उनको ढूंढा है मैंने अच्छी तरह से, मतलब ढूंढा है मैंने उनको कि किस बंदे ने अभी वीडियो बनाई है, किस बंदे का नया चैनल है, तो उस बंदे को मैंने ढूंढा है। तो भाई यार, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, अगर यार मैंने आपको फ्रेंड बनाया है, तो मैं आपका साथ दूंगा, जब तक आपका चैनल रहेगा जब तक मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपकी सारी वीडियो वॉच करूँगा, ठीक है। और भाई, एक और बात बता दूं मैं, आप ये टेलीग्राम पे करते हो, सब फोर सब करते हो, ठीक है, फेसबुक पे सब फोर सब करते हो, इससे फ़ायदा क्या होता है आपका? भाई, मेरा तो हुआ नहीं, मैंने 6 महीने तक कंटिन्यू सब फोर सब किया है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। और एक और खासियत बता दूं कि मैं अपने चैनल पर जो है 1,000 सब्सक्राइबर कर चुका था, ठीक है, पर लेकिन मैं जैसे आज टेलीग्राम पर सब्सक्राइबर बढ़ाए मैंने, रात को 200 सब्सक्राइबर बढ़ा दिए या 250 सब्सक्राइबर बढ़ा दिए, वो सुबह जाके है ना, वो सब के सब ख़त्म, समझ रहे हो ना बात को, वो सब के सब ख़त्म। वो क्यों ख़त्म हुए, उसके ऊपर भी कारण है। तो भाई, कारण जानने से पहले एक बार एक लाइक कर दे, ठीक है ना, थोड़ा सा मेरे को भी हौसला मिलेगा। तो भाई, मैं थोड़ा सीट ठीक से बैठ जाता हूँ और आपको बताता हूँ। तो भाई, पता क्या है, उनके सब्सक्राइबर क्यों डाउन हो जाते हैं? अगर आप किसी के चैनल पर जा रहे हो, आपने 1 मिनट की वीडियो का लिंक उसे दे दिया कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, अब एक बार बताओ, वो सब्सक्राइब तो कर देगा, पर लेकिन उससे आपका फ़ायदा क्या होगा? वो आपकी वीडियो को और बेकार कर देगा, ठीक है ना, आपकी वीडियो का रिटेंशन गिर जाएगा, रीच गिर जाएगी, वीडियो वहीं पर फ्रीज हो जाएगी, कहीं नहीं जाने की वो वीडियो। जैसे आपने 10-20 सब और सब कर लिए, वैसे आपकी वीडियो की रिटेंशन ख़राब और वीडियो फ्रीज और ख़त्म। आप मेरे चैनल पे जाके एक बार विजिट करके देखो कि मेरी पिछली वीडियो की रीच कितनी है, सब ख़त्म, डेड हो गई, वो फ्रीज हो गई वीडियो। क्यों? क्योंकि मैंने सब और सब खूब किया था। और अब जो हाल फिलहाल में मेरी 1 महीने से वीडियो आ रही है, उसकी रीच देख लेना आप, क्योंकि उसमें मैंने जो है बढ़िया तरीके से काम किया है। तो वो कैसे किया है, उसको जानने के लिए भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़िया है आपके लिए, और भाई इस वीडियो को देखना जरूर पूरी की पूरी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, और ये स्पेशली वीडियो मैंने अपने सब्सक्राइबरों के भाइयों के लिए बनाया है, ठीक है ना। कुछ मेरी बहनें भी हैंगी, उनों के लिए बनाया है मैंने ये, ठीक। और एक और बात है कि मैं रिस्पेक्ट सबको देता हूँ, ठीक है, कोई भी हो सोशल मीडिया पे सबको रिस्पेक्ट देना, सबको भाई बहन बोलना, ठीक है, फ्रेंड बोलना, जो भी आप बोल सको बोलना, पर किसी को गलत मत बोलना। और भाई, मैंने वो कैसे बढ़ाई आपको बताता हूँ मैं। भाई
आपको अगर मैं अपनी वीडियो भेज रहा हूँ, ठीक है, या मैंने आपको सब्सक्राइब करके कोई मैसेज भेज दिया, ठीक, तो मैंने वो किस लिए भेजा? खाली आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं है, उससे मेरा कोई फायदा नहीं होगा। आप सब्सक्राइब करके छोड़ दोगे, वीडियो देखोगे नहीं, है, तो आप क्या उम्मीद लगाते हो दूसरे से कि आप दूसरा बंदा आपकी वीडियो देख लेगा? नहीं देखने का बिल्कुल भी, ठीक है ना। जब आप ही किसी की वीडियो नहीं देख सकते तो दूसरा कैसे देख लेगा। मैंने किसी को, मैं वहाँ पे सपोर्ट सब करता था, तो मतलब कि मैं एक 15 सेकंड की वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, 15 सेकंड की वीडियो का मैंने लिंक दिया उनको कि भाई, तो भाई 15 सेकंड की वीडियो भी पूरी नहीं देगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड देखिए, तो एक बात तो बताओ वो सब्सक्राइबर कहाँ से रुक जाएगा, ठीक है। यूट्यूब का एल्गोरिथम ये कहता है कि अगर आप किसी की वीडियो देख रहे हो तो भाई उसको फुल वॉच करो, फुल वॉच करो, आधी जब वॉच कर लो आप उसको तो लाइक दो, जब फुल वॉच कर लो उसको तो आप उस पर कॉमेंट दो कि आपको कैसी लगी वीडियो, आपको क्या मिला इस वीडियो से सीखने के लिए, और भाई जब वो बात कॉमेंट खत्म हो जाए तो तब आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, तो यूट्यूब उस सब्सक्राइबर्सन को मान सकता है, मानता है, ठीक है ना। अब आप उसकी वीडियो भी नहीं देखी, आपने 2-4 बार वहाँ पे कॉमेंट भी कर दिया, वहाँ पे सब्सक्राइब भी कर दिया, तो क्या वो जुड़ रहा है? नहीं जुड़ने का, वो सिर्फ अभी के लिए जुड़ेगा और बाद में ऐसा ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। मैं जिसको भी सब्सक्राइब कर रहा हूँ, आप मुझे सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मैंने कुछ सब्सक्राइबर बेस बनाया है छोटा मोटा ही सही, स्टार्टिंग से ही, ठीक है। 100 वीडियो अपलोड हो चुकी है मेरी, तो भाई आप थोड़ा बहुत तो मुझे एक्सपीरियंस मान सकते हो, ठीक है। चाहे बेशक मैंने वीडियो कैसी बनाई है, लेकिन मेरी वीडियो में थोड़े बहुत सुधार मैं कर रहा हूँ, ठीक, वो मैं 100% कर ही रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप पिछली वीडियो जाकर देख लेना और अपनी वीडियो देख लेना, ठीक है। तो भाई आप पूरी वीडियो देखा करो, ठीक है ना। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपका चैनल 3-4-5-6 महीने में ग्रो हो जाएगा, मेरा भी हो जाता अगर मेरे को रिटेंशन सही मिलती तो। रिटेंशन सही नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि यार कोई नहीं चाहता है कि वीडियो देखते हैं यार, लोगों को क्या पसंद है, आपने देखा होगा टिकटॉक रील वगैरह, ये चीज़ पसंद है, ठीक है ना। किसी ने अपना वो इधर को करके दिखा दिया, किसी ने अपना कुछ करके दिखा दिया, वो चीज़ पे लाइक खूब आएंगे, करोड़ों व्यूज जाएंगे, सब चीज़ जाएगी उसके ऊपर, ठीक है ना। पर आपने कोई समझदारी की बात बता दी तो उसके ऊपर व्यूज नहीं जाते हैं, क्योंकि यही भाई दुनिया का नियम है, दस्तूर है, कि अच्छी चीज़ को कोई मानता नहीं है, गलत चीज़ को कोई छोड़ता नहीं है। तो भाई मेरी तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ मैं आप सभी को, जिसको भी मैंने सब्सक्राइब किया है या जिसने मुझे सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ कि आप वीडियो देखें, पूरी देखें, उसके बाद लाइक कमेंट करें, तभी आपकी कोई वीडियो देखेगा। और भाई जिसको भी अपने चैनल का प्रमोशन कराना हो, मैं उनकी सबका चैनल का प्रमोशन कर दूंगा, पर मैं करूंगा बारी बारी से, आपको मुझे रिजल्ट देना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप 5 वीडियो डालें अपने चैनल के ऊपर, ठीक है ना, बढ़िया सी बना के, बढ़िया सी एडिटिंग करके। चाहे वो एक वीडियो, जरूरी नहीं है कि आप आज वीडियो डाल दी कल वीडियो डाल दी, चाहे आप 2 दिन में एक वीडियो डालें, लेकिन उसकी एडिटिंग बढ़िया करें, ठीक है। स्क्रिप्ट तो कर ही नहीं सकते यार, अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी ब्लॉगिंग का तो कोई स्क्रिप्ट होता नहीं है, बाकी कुछ चीज़ मेन समझा रहे हो तो आप स्क्रिप्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, और ना ही भाई मेरे को स्क्रिप्ट लिखनी आती है, ठीक है ना, ना ही मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, 10वीं फेल हूँ भाई, साफ सीधी बात है, ओपन से 10वीं पास कर रखी है मैंने, ठीक है ना, 10वीं फेल हूँ मैं, ठीक भाई। लेकिन मेरा पैशन है, मेरा जुनून है, और मेरा ड्रीम है कि भाई मेरे को ब्लॉगर बनना है। अब उस ब्लॉगर बनने के लिए चाहे मेरे को कितने दिन लग जाए, मैं ब्लॉगिंग करूँगा, ठीक है ना। मुझसे बहुत बंदों ने कहा कि यार अपनी ब्लॉगिंग में लड़की को ले जाए, क्यों ले ले भाई, लड़की को दिमाग खराब हो रहा है मेरा, लड़की को ले ले क्यों, हम आदमी बेकार हो गए क्या जब लड़कियों को लेंगे हम, है भाई, जब लड़की होगी तो ले लेंगे, ठीक है ना। पर वैसे क्यों ले ले भाई, किसी और को क्यों ले ले हम, ठीक है ना भाई। मैं नहीं ले रहा किसी भी लड़की पड़की को, ठीक है। और एक और बात है, जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं आपको सिर्फ यही फॉलो करने हैं, ठीक है ना। आप मेरे पास कमेंट करें, ठीक, अपने चैनल पे 5 वीडियो डालें, 5 वीडियो डालने के बाद में मेरे पास कमेंट करें, ठीक। विवेक बी के नाम से आप कमेंट करेंगे, शॉर्ट नेम मेरा विवेक बी है और चैनल नेम मेरा हाई ब्रो वी ब्लॉग, ठीक है ना। हाई ब्रो का मतलब हाई दोस्तों, ठीक है, बी का मतलब विवेक और ब्लॉग का मतलब ब्लॉग, ठीक है। तो मैंने यार आप लोगों के लिए चैनल बनाया ये, ठीक है। और भाई आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसने मेरी वीडियो देखी, जिसने शॉर्ट देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं दिल से उनको नमस्कार करता हूँ कि उन्होंने देखा और मेरे चैनल पर थोड़ा बहुत रिटेंशन बढ़ाया उन्होंने। बीच में मैंने चैनल पर काम करना थोड़ा सा छोड़ दिया था 10-5 दिन के लिए, तो भाई मेरे इंप्रेशन बहुत ज़्यादा गिर गए थे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा गिर गए थे, मतलब आधे से भी आधे रह गए थे मेरे इंप्रेशन। अब मैंने बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे करके बढ़ाए हैं वो इंप्रेशन आप लोगों की मदद से, ठीक है ना। तो भाई आप सब्सक्राइब करें, मैं आप सबके चैनल का प्रमोशन करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है, मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है, क्योंकि झूठ बोलने का मुझे कोई पैसा तो मिलता नहीं है। और नहीं आप कभी किसी से झूठ बोलना, जो भी इंफॉर्मेशन दो, जो भी बात करो, सिर्फ सच्ची करना, ठीक, यूट्यूब के ऊपर। और भाई आपको सिर्फ एक काम करना है, इस वीडियो के नीचे मेरे व्हाट्सअप का
ग्रुप का लिंक होगा, जो भी भाई वहाँ पर आकर हाय बोलना है आपको, अपना नाम लिखना है, अपने चैनल का नाम लिखना है और मेरे को सेंड करना है, ठीक है, तो मैं आपको सब्सक्राइबर भी दूंगा और व्यूज भी दूंगा, पर लेकिन आपको अपनी वीडियो का लिंक नहीं देना है बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल पर ट्रैफिक जो आए वो सर्च के थ्रू आए, ठीक है, कोई आपकी वीडियो का हो या चैनल को सर्च करे जब आपकी वीडियो के पास पहुँचे वो। तो भाई मेरी तो प्लानिंग यही है, अगर आप चाहते हैं कि भाई अपने चैनल को ग्रो करना, ठीक है, अपने भाई का साथ देना, क्योंकि मैं आपका भी साथ दे रहा हूँ, ठीक है ना, मेरा तो चैनल देखो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों ग्रो मैं कर लूँगा, चाहे मैं कैसे भी करूँ, मैं चाहे कुछ भी करूँ उसमें, चाहे मैं अपने चैनल में पैसे लगा दूँ, पर मैं ग्रो कर लूँगा, ठीक है, पर लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिस स्थिति से मैं निकल चुका हूँ उस स्थिति में आप हैं तो आपके साथ वो ना बीते। भाई साहब आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरा वेंचर होने को मन कर गया है, ठीक है ना, कि यार मैं नहीं बनाता ब्लॉगिंग वगैरह, आप देख सकते हो मेरे पास इस टाइम माइक नहीं है, मैं फ़ोन के माइक से ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा माइक भी खो गए, दो माइक थे, एक माइक तो बारिश में भीग गया और एक माइक खो गया, मेरा ट्राईपोड था, आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, ट्राईपोड अनबॉक्सिंग कर रखी है मैंने, वो ट्राईपोड था वो भी पूरा टूट गया, एक कैमरा दिखाया था मैंने आपको, वो तो खैर जब से मैंने लिया था काम ही नहीं किया था उसने, वो कैमरा मैंने गुस्से में तोड़ दिया कि मैं नहीं करता ब्लॉगिंग वगैरह, और भाई एक दिन और क्या बताऊँ मैं आपको, आप मुझे पागल बोलोगे कि भाई मेरा एक लैपटॉप भी था, वो लैपटॉप भाई मैंने एक दिन गुस्से में फेंक के मारा, वो लैपटॉप भी ख़राब हो गया, चलता नहीं है, पड़ा हुआ है, तो मतलब कहने का ये है कि भाई मेरा तो नुकसान हो गया, ठीक है, मैंने जिस दिन काम स्टार्ट किया था अपना यूट्यूब पर तो मैंने भाई पैसा लगा दिया था इसके ऊपर, ठीक है, और वो मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी जो मैंने की, ठीक है, मैंने जो है भाई 30-40 हज़ार रुपये लगा दिए थे अपना सेटअप बनाने के लिए, आप मेरे सेटअप की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, ऊपर दिख रही होगी आपको मेरे सेटअप की वीडियो, आई कार्ड में दिख जाएगी, सेटअप की वीडियो देख सकते हैं जाके कि मैंने क्या पैसा लगाया था, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे, पर लेकिन आपको नहीं लगाना, ठीक है ना, जब तक आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम पूरा नहीं हो जाता, जब तक आपको जो है एक भी रुपया अपने चैनल पर नहीं लगाना, बस आपको क्या करना है, एक आपका फ़ोन तो होना चाहिए और एक माइक और ले लेना बोया का, ठीक है, वही 500-600 रुपये का आएगा, बोया का माइक ले लेना, भाई मैंने तो लिया नहीं अभी तक ना ही, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैं भी लूँगा उसको भाई, और आप जैसे जान सकते हैं यार घर पे बैठे हुए हैं, कोई काम धंधा है नहीं, 3 महीने से खाली बैठे हुए हैं, कर्जा और हो गया सर के ऊपर, और जैसे कि आपको पता है कि मैं, मेरे पास यार मकान भी नहीं है, ठीक है, घर भी नहीं है मेरा खुद का, मैं किराए पे रहता हूँ, ठीक, और भाई 2200-2300 रुपये मेरे किराए दो महीने के जाते हैं, तो भाई और वो चढ़ चुके थे, और मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है, आप मेरी स्टोरी पीछे जाके सुन सकते हैं, नहीं तो अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको अपनी पूरी स्टोरी सुना सकता हूँ, ठीक है, लेकिन यार आपको वो स्टोरी सुनने के बाद में बहुत दुख होगा कि मेरे साथ क्या क्या बीता है, अगर शायद कोई और इंसान होता तो शायद वो कुछ गलत कदम उठा लेता इतना सब कुछ बीतने के बाद में, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरा पूरा साथ दिया है और मेरे माँ बाप हमेशा मेरा साथ देते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता दोस्तों, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कोई यार दोस्त किसी का नहीं होता, कोई गर्लफ्रेंड किसी की नहीं होती, ठीक है ना, कोई किसी की गर्लफ्रेंड नहीं होती है, सब पैसों का खेल है भाई, आज आपके पास पैसे हैं, आज आप अपनी गर्लफ्रेंड की डिमांड पूरी कर रहे हैं तो आज आप उनके बॉयफ्रेंड है, वरना आप उसके बॉयफ्रेंड बिल्कुल नहीं है, कल आप डिमांड पूरी करनी उनकी बंद कर दो, वो आपके साथ नहीं रहेगी। अगर आपको ये भी जानना है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ क्या किया है और मेरे दोस्तों ने मेरे साथ क्या किया है, तो उसके लिए भी भाई मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए, लेकिन आपको मेरे से पूछना पड़ेगा कि भाई आप वीडियो बना सकते हो क्या मेरे लिए, मैं आपको बना के दिखा दूंगा वीडियो कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड ने क्या क्या किया था, मैं नाम तो उसका बताऊंगा नहीं, लेकिन मैंने जो उसके साथ किया और जो उसने मेरे साथ किया वो भाई जैसा आपने समझा जैसा आपने सुना वो आपको पूरा फॉलो करना है। वीडियो हो चुकी है बहुत लंबी, इस वीडियो को यार मैं यहीं बंद करता हूँ, आपको मेरे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा नीचे, और इंस्टाग्राम पे तो बिल्कुल भी मेरे को अनफॉलो ना करें, फॉलो ज़रूर करें मेरे को इंस्टाग्राम पे, ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, जो मेरी आईडी फेसबुक की है, यूट्यूब का जो मेरा नेम है वही नेम मेरा इंस्टाग्राम आईडी का है, पर यूट्यूब में मेरा फर्स्ट इनिशियल जो है वो कैपिटल में है, उसमें स्मॉल लेटर में, आप जाके देख सकते हैं मेरी रील पड़ी हुई है, रील पर आके इंगेजमेंट दें, अपने भाई का फुल सपोर्ट करें, आप मुझे सब्सक्राइब करोगे, कमेंट छोड़ोगे, मेरा ग्रुप ज्वाइन करोगे तो मैं आपको अपने इंस्टाग्राम रील में स्टोरी टैग दूंगा, स्टोरी टैग में आपकी वीडियो डाल दूंगा, आप मेरे को एक शॉर्ट वीडियो बढ़िया सी बना के देना, मैं आपकी 1-2 मिनट की 3 मिनट की जो भी कहोगे मैं आपकी स्टोरी टैग में अपनी इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा, वहां से आपको थोड़ी बहुत रीच मिल जाएगी। तो भाई जब तक के लिए बाय बाय, सी यू, ऐसे ही देखते रहना, ऐसे ही करते रहना, और भाई आपका भाई मिलता रहेगा आपसे, और चलते हैं भाई, बाय बाय।
ओके टाटा। और भाई सब्सक्राइब करना तो भाई अपने भाई को बिल्कुल भी मत बोलना। तब तक के लिए भाई नमस्कार।